नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, 3 पॉइंट्स का है ये, किसी भी टीम को याद रखो गेम चेंजर के अंदर इन और आउट कर सकता है। सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए आएंगे वुल्व्स, वुल्व्स पहले नंबर पे, फिर टाइगर्स हैं दूसरे नंबर पे, फिर शार्क्स हैं और आखिर में पैंथर्स हैं। सबसे पहले आ गए वुल्व्स। माँ और बेटा किसी की सालगिरह में आए हुए हैं, बेटे का नाम गुब्बारा है, ठीक है। गुब्बारा बहुत शरीर है, गुब्बारा आज हम सालगिरह का केक खाएंगे, केक कटते वक्त तुम गुब्बारे नहीं फाड़ना, गुब्बारा देखकर गुब्बारा पागल हो जाएगा। जैसे ही केक कटेगा गुब्बारा सारे गुब्बारे फाड़ देगा, अम्मी डांटेंगी मगर वो नहीं सुनेगा, तुम बेइज्जती करवा रहे हो, अब गुब्बारे को मार पड़ेगी, गुब्बारा रोएगा। माइक में, माइक उठाओ पहले। हाँ सर, बच्चे का नाम गुब्बारा, हम किसी और की सालगिरह में जा रहे हो और तुमने पहले बोला गुब्बारे, गुब्बारे ना फाड़ना तुम जाके बर्थडे के अंदर, सही है। और बच्चे लेकिन का नाम यही करेगा, जैसे ही केक कटने वाला होगा गुब्बारा सारे गुब्बारे फाड़ देगा। सर, तो सर आपने भी बताया बच्चा शरारती है क्या? हाँ, गुब्बारा शरारती, आपका नाम गुब्बारा है और आप शरारती है बहुत। चलो भाई रेडी गो बोल। चलो गुब्बारा, कहाँ ले जा रही हो? कहाँ सालगिरह में? जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं बर्थडे में जाके सारे गुब्बारे फाड़ दूंगा। निकम्मे, बर्थडे में ले आ रही, बर्थडे में ले आ रही, स्कूल छोड़ने ले आ रही, मारे जा रही है। गुब्बारा यहाँ पे केक कटने वाला है, गुब्बारे फाड़ना ना लग जाए। केक मिलेगा? केक खाने को मिलेगा? बहुत मारूंगी। पहले नहीं, पहले केक नहीं काटेंगे, पहले गुब्बारे फाड़ूंगा मैं, ये टपाक। कैसी निकम्मी औलाद मिली है, मेरा शोर। सारे गुब्बारे तो फाड़ने दे, सब बच्चे फाड़ रहे गुब्बारे, टपाक टपाक। इतनी अब नहीं रोक रही है, इतनी बूढ़ी उम्र में अपनी माँ से क्या भगवाएगा? तो बर्थडे में आ गई बूढ़ी औरत है, मजे लेने आ गई बर्थडे में केक खाने के लिए। तो मैं तो लेके आई हूँ गुब्बारे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे गुब्बारे फाड़ने के लिए आए हो? इसको समझाओ ना, कोई बलून फाड़ने दे मेरे को, ये दब बच्चे फाड़ रहे मेरे को, नहीं फाड़ने दे रही। चलो तुम किसी लायक नहीं हो कि तुम्हें कहीं लेके जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा बर्थडे में, रहूंगा मैं, बलून फाड़ूंगा सारे और केक भी खा के जाऊंगा एंड में। नहीं चलो घर चलो। नहीं मैंने नहीं आना, मैं टाइम अप गाइस। चलो नेक्स्ट कौन है? सारा टाइगर्स, रुखसती हो रही है मगर लड़का रो रहा है, धाड़े मार मार कर रो रहा है क्योंकि इसकी बेगम बहुत खतरनाक है। दूल्हा के रोने पर दुल्हन को शदीद गुस्सा आ रहा है। अबे वो दूल्हा ठीक से चलो, क्यों तमाशा बनवा रहे हो मेरा, सब देख रहे हैं और दूल्हा मेरी सैंडल ठीक कर। ये सारी बातें चलते चलते होंगी जिस तरह रुखसती के वक्त चलते हैं। और दूल्हा पानी लेकर आ, मुझे प्यास लग रही है, रोना बंद कर। ये तो बड़ी बॉस अराउंड कर रही दुल्हन, यार क्या हो गया दुल्हन को? चलो 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 चलो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रुखसती हो रही है, दूल्हा रो रहा है, रेडी आ जाओ कश्यप। बहुत मजे की सिचुएशन है गाइस ये, रेडी गो। बाबुल की दुआएं लेती जा। तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अरे नहीं नहीं नहीं, बस ये ऐसे ही रो रहा है, अब क्या करे बेचारा। मेरी चप्पल सही कर जल्दी से, कर रहा हूँ ना यार, क्या है मेरी सैंडल बंद कर। यार बहुत अच्छे हैं मेरे शौहर, अल्लाह मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। चलो चलो अभी चलो, तुम तो घर चलो, फिर घर चल के बताऊंगी। अरे मैं यार डरा क्यों रही हो यार? मैं बहुत मासूम है, मेरी रुखसती पे आई है, मैं वैसे ही रो रहा हूँ, पीछे प्याज काट रहा था, रो नहीं। शादी के तेरे खुशी के आंसू है? खुशी के आंसू है ना, तुम घर चलो फिर तुम्हें बताऊंगी। अभी तो सब कुछ बता दिया। ये थे टाइगर्स। मेरे एक तो सबसे बड़ी गलती उससे ही हुई है कि जो जो दूल्हा था उसको धाड़े मार मार के रोना था, वो रो ही नहीं रहा उस बात पे। चलिए जी नेक्स्ट कौन था? चलिए जी शार्क्स, शार्क्स। अच्छा जी गौर से सुनिएगा, लड़की अपने बाप की एक ही औलाद है, सही है। लड़की अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लाडली है। लड़की तालीम मुकम्मल करने के लिए काफ़ी सालों के लिए मुल्क से बाहर जा रही है। बाप अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आया है, बाप खुश है। जैसे जैसे फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा है, बाप की तबीयत बिगड़ रही है। बेटी फ्लाइट की तरफ जाएगी, बाप को अटैक हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, यानी बेटी भाग कर आएगी, बाप मर जाएगा। सीरियस सिचुएशन है, आओ मजे की सिचुएशन। 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेडी गो। चलो बेटा, आई एम गोइंग। आओ बेटा,
एयरपोर्ट चलते हैं। ओके बाबू लेट्स गो। एयरपोर्ट तो आ गए हैं बेटा, थोड़ी देर वेट कर लो, एक मिनट रह गया तुम्हारी फ्लाइट। बाबा आर यू ओके, ठीक है आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस वहाँ पे जो है टाइम से खाना खा लेना है, वहाँ पे तुम्हारी माँ भी नहीं होगी, मैं भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, बस बेटा वहाँ पहुँच कर ना मुझे कॉल टाइम पे करती रहना, ठीक है बेटा? ओके बाबा। हाँ बेटा आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मम्मा का भी, आई विल मिस यू बहुत। टाइम आ गया, फ्लाइट अनाउंस हो गई है बेटा। ओके बाबा ठीक है बेटा, तुम जाओ। पापा आर यू ऑलराइट? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ बेटा, बेटा तुम जाओ, जाओ बेटा। पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा पापा आयो, पापा पानी पिलाओ बेटा। पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा पापा अंकल क्या हुआ आपको? पानी पिया अंकल, आप अंकल पानी पिए। ओके अंकल बहुत अच्छे, आ जाए अंकल। चलो भाई नेक्स्ट कौन है अंकल? टाइम अप हो गया ना, टाइम अप हो गया अंकल, बारी आई पैंथर्स की। बहन की अगले महीने शादी है, बहन तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी, भाई बोलता है होगी, मैंने बहुत तैयारियां की हैं, तू मेरा भाई लाखों में एक है। बहन बोलती है बहन को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है, भाई तुम घर सजाओ, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। ठीक से बाइक चलाना, भाई के पास कॉल आती है तुम्हारी बहन का बाइक पर एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई है। लड़की रो रो कर मरी हुई बहन से बातें करेगी, लड़का रो रो कर मरी हुई बहन से बातें करेगी। देखो मैं समझाता हूँ, शादी है सही है, इसने बहुत सारा सामान जमा किया हुआ है, हाँ तुम्हारी, तो ये बहन जो है अपने भाई से बहुत प्यार करती है, थैंक यू भाई वगैरह बोल के, उसके बाद जो है इसको बाइक चलाने का बहुत शौक है, तो ये बोलती है कि आपने मुझे कभी बाइक चलाने नहीं दी है, आज एक दफ़ा शादी से पहले मैं एक दफ़ा बाइक चलाना चाहती हूँ। भाई बोलेगा अच्छा ठीक है जाओ ले जाओ, ये लेके जाएगी बाइक, पीछे से कॉल आएगी और बताया जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया, बहन मर गई है, तो भाई भाई रोएगा इस बात पर। वो मैंने नहीं बोली, तू मेरा भाई लाखों में एक, ये लाइन थी सही है। चलो भाई बोलो, रेडी गो पैंथर्स। नीचे आ जाओ दुआ, इधर आ जाओ। हाँ भैया कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, बताओ तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है? मैंने माँ बाप के बाद तो मैंने तुम्हें बड़े नाज से पाला है, ठीक है? तो बस अपना ख्याल रखना वहाँ जाके, ठीक है? और कुछ भी परेशानी हो अपने भाई को बताना, मैंने बहुत तैयारियां करके रखी है, तुम्हारी शादी में धूमधाम से करूंगा। भैया भैया मेरी बात सुनो ना, मुझे क्या कहते हैं बाइक चलाने नहीं दी, मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है, प्लीज चलाने दो ना, चलाने दो। अच्छा, चलाने दो, अब तो मेरी शादी भी हो जाएगी। चलो चला लेना। हाय ला, मेरा भाई तो लाखों में एक है। बस जाओ जल्दी से जाओ, सामान लेके आ जाओ और ध्यान से आना, ध्यान से आना, मैं जब तक मोटर चला के आ रहा हूं। बुडुम 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 खिचो। हेलो किधर, कैसे? एक मिनट दुआ, दुआ किसने किसने देखा एक्सीडेंट, किसने करा था? हेलो दुआ उठो, पीछे बैठा हुआ इसने। सही आ जाओ, पहले आप लोग बताइएगा भाई तीन पॉइंट्स किसके साथ जाएंगे, एक पॉइंट किसके साथ जाएगा, बोलिएगा जी, बताइएगा जल्दी से। दानिश भाई जो ओवरऑल हमें जो देखने में बहुत अच्छा एक एक्ट लगा है जी, वो शार्क्स का लगा है, बाकी आप अपना राय दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, सबको बहुत मजे मजे की सिचुएशंस मिली थी। टाइगर्स तो पूरी टास्क जो है वो फुलफिल कर ही नहीं सके, इसलिए आप तो वैसे ही आउट हो गए, वरना सबसे मजे की सिचुएशन तुम लोगों की थी। अच्छा उसके बाद वुल्फ्स जो थे वो थोड़ा सा ओवर कर गए, मुझे लगा कि वो ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती थी, एक तो उसका नाम ही इतना फनी था गुब्बारा, तुम उसी को अगर चीज़ों को लिंगर ऑन करके चलते रहते ना गुब्बारे के ऊपर ही, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती जो तुम लोगों ने कहीं नहीं की हैं। सीरियस सिचुएशन एक ही थी जो तुम लोगों के नसीब में आई है, दोनों ने अच्छी एक्टिंग की थी, दरमियानी एक्टिंग थी, बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन दरमियानी थी, इन लोगों से काफ़ी बेहतर थी, इसलिए मेरे हिसाब से भी तीन पॉइंट्स के हकदार जो हैं वो तो हैं टीम शार्क्स। अच्छा जब पैंथर्स आए, पैंथर्स तुम लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो अब जब वहाँ चली जाओगी है ना, तो जैसे माँ बाप चले गए उसके बाद मैंने तुम्हें पाला है ना, एक्टिंग में ये है ना नहीं होता है, जब तुम्हें कोई कैरेक्टर दिया गया है और तुम्हें सिचुएशन भी पता है तो ये है ना बता रहा होता है कि तुम नर्वस हो रहे हो, उस कैरेक्टर को परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहे हो, याद कर रहे हो चीज़ें जहन के अंदर, याद नहीं करनी होती, आके डायरेक्ट तुम्हें परफॉर्म करना है।
दरमियानी परफॉर्मेंस है तुम लोगों की, सब कुछ सिचुएशन पूरी कर दी है तुम लोगों ने, सिर्फ बाकी उसमें कोई अच्छी एक भी चीज़ ऐड नहीं की। जैसे कि जब तुम बाइक पे जा रही थी तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि तुम आवाज़ निकालो कि बाइक पे जा रही हो, तुम सीरियस थी। और अगर तुम फर्स्ट टाइम भी बाइक चला रही हो तो चलाते में तुम्हें कुछ ऐसे दिखाना चाहिए था कि अरे अरे ये तो चल ही रही, और फिर जाके तुम टकराई हो एकदम से, एक्सीडेंट हुआ है, कॉल आई है, तुमने फ़ोन उठाया, वो सही था कि तुम आए हो, फ़ौरन से तुमने रश किया और आके भाग के बैठे हो बहन के पास और बोला तुम्हें क्या हुआ, अरे किसने मारा किसने मारा। एक तो ये चीज़, जब बहन का एक्सीडेंट हुआ था तो आदमी जो है ना वैसे ही थोड़ा सा ओवर द टॉप जाएगा, आवाज़ से भी अपने एक्सप्रेशन भी ज़्यादा लाउड होंगे, वो तुमने कहीं किया नहीं यहाँ पर आके। मैं एंड में जो चार सेकंड्स बचे थे उसमें देख रहा था कि तुम एंड में क्या करते हो। खैर, तीन पॉइंट्स जाएंगे टीम शार्क्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा टीम पैंथर्स के साथ, और एक पॉइंट ही जाएगा वुल्व्स के साथ। हो जाए एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।